हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 44। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और कारण से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती युक्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशाक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति, गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तु ते। तप्त कांचनम गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद आठवां अध्याय जिसका शीर्षक है कुंती महारानी द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, श्लोक नंबर 44। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत उवाच कृतयेत्थम् कलपदैः पूरिणो ताखिलोदय, मन्दं जहास वैकुण्ठो
मोहयन्निवमायया पृथयित्थं कलपदये पूरिणोताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निवमायया पृथयित्थं कलपदैः पूरिणोताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निवमायया पृथयित्थं कलपदैः पूरिणोताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया। शब्दात् सूत उवाच। सूत अर्थात सूत गोस्वामी ने वाच यानी कहा, पृथया पृथा यानी कुंती द्वारा, इत्थम इत्थम मतलब इस प्रकार, तो कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थना की, कलापदय चुने हुए शब्दों से पूर्ण होता पूजित होकर अखिल संपूर्ण उदय यश मंदम अर्थात मंद मंद जहास हसे वैकुंठ भगवान मोहयन अर्थात मोहित करते हुए इव सदृश मायया अपनी योग शक्ति द्वारा। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, अपनी महिमा वर्णन में चुने हुए शब्दों में कुंती द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर भगवान मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के ही समान मोहक थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान कहते भगवत गीता में, यत् यत् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोऽंश संभवा। अर्थात इस संसार में तुम जो भी वस्तु आकर्षित दिखती है, जो विभूति तुम्हें अपनी ओर आकर्षक अपनी ओर निहारने के लिए विवश करती है, जो भी इस संसार में सुंदर है तेजस्वी है ऐश्वर्यमान है शक्तिमान है, वो मम तेजो अंश संभव, वो मेरी तेज का एक अंश है, छोटा सा सफुलिंग मात्र है। और इसी बात को यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है अर्थात वो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वो भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त भद्र जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित हो सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं। यहाँ पर ये बताया ना, मोहयन्निव मायया। अब जो भगवान की माया शक्ति है वो हर प्रकार के जीवों को मोहित करती है, जो भगवान के भक्त होते उनको भी मोहित करती है, और जो भगवान से भगवान के भक्त नहीं होते भगवान को नहीं मानते हैं माया उनको भी मोहित करती है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, भगवान की जो योग शक्ति है वो भक्तों को कैसे मोहित करती है कि डिवोटी कैन सी गॉड नाउ हियर, हर जगह नाउ हियर। अगर इंग्लिश में नाउ हियर को हम लिखते हैं तो क्या होता है, NOWHERE, लेकिन इसका मतलब होता है भक्ति चाहे जहाँ भी होता है भगवान की माया उसे इतना अपनी ओर आकर्षित कर देती है कि भगवान वहीं उसे दिखते हैं। और एथिस्ट कैन सी गॉड नोवेयर, यानी अगर उसको स्प्लिंग में से W को हेयर के साथ लगा देंगे तो क्या होगा, नोवेयर। वो माया शक्ति
उस अभक्त को इस तरह से मोहित कर देती है कि भगवान उसे कहीं दिखता ही नहीं है। समझ में आया कि डिवोटी कैन सी गॉड नाउ हियर, जिधर भी होगा उसको देखेगा, बट एथिस्ट कैन नॉट कैन सी गॉड नो वेयर, उसको किधर भी भगवान दिखेगा नहीं, वो समझेगा कि भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये माया जो है वो भक्तों को और अभक्तों को अलग अलग तरीके से मोहित करती। उसी बात को यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं। भगवान का कृपा पूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है, उनकी शक्ति का प्रदर्शन विभिन्न प्रकारों से होता है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति कई प्रकार से कार्य करती है, श्रीमती कुंती महारानी ने भगवान की प्रार्थना की जिसमें उन्होंने भगवान की महिमा के एक अंश का कथन किया। उनके सारे भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं, अतएव भगवान पूर्ण श्लोक कहलाते हैं। यद्यपि शब्दों से भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार संतुष्ट होते हैं जिस प्रकार पिता अपने बढ़ते हुए बच्चे की तोतली बोली से। माया शब्द का प्रयोग ब्रह्म तथा दया दोनों अर्थों में होता है। ब्रह्म तथा दया अर्थात जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको माया क्या करती है, भ्रमित कर देती है, हाँ भाई भगवान तो किधर है नहीं। और जो भगवान की दया पर आश्रित होते हैं उनको माया से भगवान ये दिखाते हैं कि हर एक क्षण इवन उनको जब दुख भी मिलता है ना, कुंती महारानी ने कहा मुझे और भी दुख दो क्योंकि दुख का माध्यम से तो मुझे आपका दर्शन हो रहा है। तो माया जो है वो उनको उनके ऊपर कृपा यानी कि यांशिला कृपा ने क्या बताया, माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा दया दोनों अर्थों में आता है। तो यहाँ पर जो भक्त को माया कैसे भ्रमित करती है, उस पर हर एक वस्तु में उसको दया दिखती है, लेकिन यहाँ पर यह शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के ये यह वर्त हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है मोहयन्निव मायया, वो क्यों बताया गया है, क्योंकि अब भगवान जो है कुंती महारानी की इस प्रार्थना से अत्यंत ही संतुष्ट हो गए। क्यों संतुष्ट, क्योंकि जिस प्रकार से पिता अपने छोटे से बच्चे की तोतली बोली भले वो टूटा फूटा भी बोलता है, लेकिन फिर भी पिता को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे ने बोलने का प्रयास किया है। उसी तरह भगवान की प्रार्थना जो है उसके लिए शब्द जो है वो कभी भी पूरे नहीं आते। भगवान की प्रार्थना शब्दों में की भी नहीं जा सकती, न भगवान के नाम की महिमा न ही भगवान के गुण लीलाओं का वर्णन। शब्द जो है वो बहुत पीछे रह जाते हैं, परंतु जब भक्त जो है वो हृदय से भगवान के विषय में गुणगान करता है तो भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। इसी सूत गोस्वामी कहते हैं पृथयेथम कल्पदे कलपदे, पृथा में जब इस प्रकार बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों द्वारा परिपूर्ण परी परिहंत का मतलब होता है पूछते हुए अखिल संपूर्ण उदय। यहाँ पर वो कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि परिहंता खिलोदय कि लगभग संपूर्ण गुणों के विषय में बताया, भगवान के जितने भी गुण हैं उन सबको। अब शब्दों में संपूर्ण गुणों को की संपूर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती है, परंतु इन 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने लगभग भगवान के संपूर्ण गुणों को टच किया, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में हर एक गुण के विषय में बताया, भगवान के ऐश्वर्य के विषय में, भगवान के माधुर्य के विषय में, भगवान की करुणा के विषय में, भगवान के अवतार के कारण के विषय में, और सभी अवतारों को यानी अखिल उदय। अखिल उदय का मतलब होता है सब कुछ को बताने का प्रयास किया है। तो हम एक बार फिर से इन समस्त
ये जो हमने अभी पढ़ा श्लोक नंबर 18 से लेकर श्लोक नंबर 43 तक, ये सब कुंती महारानी की अत्यंत ही सुंदर प्रार्थनाएं इन 26 श्लोकों में उन्होंने इनका वर्णन किया है। वास्तव में भक्तों, ये भागवतम में पहली प्रार्थना है। इससे पहले अर्जुन ने 7वें अध्याय में सिर्फ 5 श्लोक में भगवान की प्रार्थना की थी, जब अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र चलाया था उस समय। और वास्तव में ये जो प्रार्थना है वो बहुत मतलब छोटा सा थोड़ी सी प्रार्थना की थी, लेकिन ये जो विस्तार पूर्वक जो यहाँ पर भागवतम में आए हैं वो कुंती महारानी की प्रथम प्रार्थनाएं हैं, और ये भागवतम के वास्तविक भाव को प्रदर्शन करती हैं, अर्थात कृष्ण प्रेम को बहुत ही सुंदर रीति से बताती हैं। और इन प्रार्थनाओं में भगवान की ऐश्वर्य और भगवान की मधुरता को उन्होंने बहुत ही सुंदर रीति से दर्शाया है, भगवान की ग्रेटनेस को और भगवान की स्वीटनेस को बहुत ही प्यारे तरीके से कुंती महारानी ने बताया है। तो पहले 5 श्लोकों में कुंती महारानी बताती हैं भगवान को कि हे प्रभु, आपका पद बड़ा ही विडम्बनीय है, यानी आप आपके पद को समझना अत्यंत ही विडम्बनीय है। वे कहती हैं, नमस्ते पुरुषम त्वार्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। वे कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको समझना अत्यंत ही कठिन है, अलक्ष्यम सर्वभूतानां, जीवों को आपके पद को समझना जीवों के लिए संभव नहीं है। और आगे बताएंगे कि ना केवल आपका पद समझना बहुत ज्यादा विडम्बनीय है, परंतु आपका संरक्षण भी बहुत विडम्बनीय है, और आपकी लीलाएं भी बहुत बहुत विडम्बनीय है। और आगे श्लोक नंबर 42 में कुंती महारानी कहती है, क्योंकि आपका संरक्षण जो है वास्तव में आपका आकर्षण है, यानी आपके प्रति आकर्षण ही आपका सबसे बड़ा संरक्षण है, इसलिए आप मुझे वही आकर्षण प्रदान कीजिए। वे कहती है, त्वयि मे अनन्य विषया मतिर मधुपति सकृत रतिम उद्वहता दत्ता गंगे वो गम उदंगते। हे प्रभु, जिस प्रकार गंगा सागर की ओर बढ़ती है, और उसी प्रकार से मेरी चेतना सदैव आपकी ओर बढ़ती रहे। और अंतिम श्लोक में यदि हम देखें तो कुंती महारानी कोई याचना नहीं कर रही भगवान से, भगवान से केवल भगवान को कहती हैं, श्री कृष्ण कृष्ण सकलेश्वर ऋषभावनित राजन्य वंशदानापवर्ग वीर गोविंद गोद्विज सुरारति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते। मैं आपको प्रणाम करती हूँ कुंती महारानी, भगवान के अलग अलग नामों का उच्चारण करते हुए कहती हैं, श्री कृष्ण, आप कृष्ण हैं, आप आकर्षित करने वाले हैं, कृष्ण सखा। और अर्जुन भी, अर्जुन का कलर क्योंकि सावरा था इसलिए अर्जुन को भी कृष्ण कहा जाता था, आप कृष्ण के सखा हैं। और राजन्य वंश दहना पवर्ग वीर समस्त राजाओं के वंश का दहन करने वाले विनाश करता है आप। और आगे कहते हैं, गोविंद गोदिज सुराति हरावतार, क्योंकि आप गौ ब्रह्मा और देवताओं के दुख हरने वाले हैं, इसलिए योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते। आप योगेश्वर हैं, आप समस्त विश्व के गुरु हैं, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो इन प्रार्थनाओं के माध्यम से हम शुद्ध भक्ति के वास्तविक स्वाद का रसास्वादन कर सकते हैं। देखिए,
जब शुरू में कुंती महारानी प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं, तब वो समय क्या था कि युद्ध हो गया था, समस्त असुर राजाओं का वध भी हो गया था और युधिष्ठिर महाराज का अभिषेक भी हो गया था, राजाभिषेक हो गया था और 4 महीने तक कृष्ण हस्तिनापुर में रहे थे उनके पास। आज वो समय था जब कृष्ण उनको छोड़ के जा रहे थे और जाते समय एक अत्यंत ही भयंकर घटना हुई कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो कि उत्तरा के घर की ओर बढ़ने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई भगवान के पास आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा ने कहा, हे देवों के देव, जगत के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे इस द्वैतपूर्ण जगत में मृत्यु के पास से बचाने वाला अन्य कोई नहीं है। और उसी समय 5 अत्यंत ही भयंकर वाण पांडव पुत्रों की ओर, पांचों पांडवों की ओर भी बढ़ रहे थे और उनको उनकी भी रक्षा करनी थी। भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर बैठे बैठे उत्तरा के घर में जाकर परीक्षित महाराज की रक्षा की और उन पांचों ब्रह्मास्त्रों से पांडवों की रक्षा की। जब कुंती महारानी ने ये भयंकर आपत्ति देखी तो उनका हृदय भरा आया और कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि कृष्ण, यदि आप हमें छोड़ के चले जाएंगे तो फिर हम हस्तिनापुर में जी नहीं सकेंगे। कृष्ण को कुंती महारानी कह रही कि आपके बिना से हम व्याकुल होंगे, हम कैसे जी सकेंगे आपके बगैर। शुरू में याचना कर रही थी कुंती महारानी कि कृपया आप मत जाओ, यानी प्रार्थना का उद्देश्य क्या था कि कृष्ण तुम्हारे बगैर जीना संभव नहीं होगा, जिस प्रकार आत्मा के बगैर देह निर्जीव हो जाते हैं उसी प्रकार आपके बगैर हस्तिनापुर निर्जीव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही भाव का विकास होता है, विचारों का प्रभाव बढ़ता है, तो वो प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान की शुद्ध भक्ति का आस्वादन करती हैं और भी गौर पद्धति से भगवान के प्रेम को, वो रस को आस्वादन करती हैं और भी गौरता से। और इससे वो समझती हैं कि हे प्रभु, अगर आप यहाँ मेरे पुत्रों के पास रहोगे तो हम तो संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु द्वारिका वासी जो कि आपके विरह में तड़प रहे हैं वो तो दुखी हो जाएंगे, और अगर आप चले जाओगे तो हमें आपका संग प्राप्त नहीं होगा और मैं और मेरे पुत्र दुखी होंगे, हस्तिनापुर दुखी होगा, सब मेरे ही तो हैं, मेरे द्वारिकावासी भी मेरे हैं और ऋषिण भी मेरे ही हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। इसे कुंती महारानी भगवान को कहती हैं, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति स्वकेशु स्नेह पाशम छिंदी दृढ़ पानुषु विश्वेशु। हे विश्वेश, हे विश्वात्मा, विश्वमूर्ति, आप ये स्नेह का पाश है उसको काट दो, आप विश्व की आत्मा हो। भगवान का विभिन्न 3 प्रकार के विश्व से संबोधित गुणगान शब्दों के साथ गुणगान करते हुए कहते हैं कि आप स्नेह पाशम इमं छिंदी, स्नेह पाश के कारण यदि मैं अपने पुत्रों के साथ अपना संबंध देखती हूँ तो मेरी इच्छा होती कि आप मत जाओ, और यदि यादवों के साथ संबंध देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आपको जाना चाहिए। वास्तव में आप, मैं ये चाहती हूँ कि मैं केवल आपकी भक्ति करके आपको संतुष्ट करूँ। इसमें जो ये स्नेह पाश है जिसके कारण मैं अपनी इच्छा आपके ऊपर डालने का प्रयास कर रही हूँ, इसलिए आप इस स्नेह पाश को काट दीजिए। वास्तव में भक्तों,
यहाँ से समझना चाहिए कि ये शुद्ध भक्ति की प्रार्थना है। जैसे हम जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तो केवल शब्दों का अदल बदल नहीं होता है, बल्कि हमारी भावना को भी एक दूसरे को हम बता रहे होते हैं, हमारे विचारों को भी प्रकट कर रहे होते हैं। इसलिए जब हम कोई बात कहते हैं, तो हम साथ साथ में हमारी भावना भी उसके अंदर होती है। हम सोच रहे होते हैं कि जब ये शब्द मैं उसको बोलूंगा तो उसको कैसा लगेगा और उसके मन में क्या क्या प्रश्न उत्पन्न होगा, और उसके साथ साथ में जब मैं क्या उसकी क्या बात करूंगी कि आप अगर ऐसा सोचते हो तो इसका उत्तर, यानी कि मैं प्रतिक्रिया भी होगी कि इससे आप ऐसा भी समझ सकते हो तो इससे ये क्वेश्चन रेज होता है, तो उसका उत्तर भी मैं देने का प्रयास करूंगी। यानी कि जब बात कर रहे होते हैं तो केवल शब्द नहीं हो रहे होते हैं, बल्कि हमारी भावनाएं भी एक दूसरे को हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं। उसी तरह से जब भक्त और भगवान के बीच में संवाद होता है, तब भक्त यदि कोई बात करता है तो उसे पता होता है कि भगवान मेरी इस बात से क्या सोचेंगे। मैं यदि भगवान को ऐसा कहूंगी तो भगवान को कैसा लगेगा, उसके बारे में भगवान क्या सोच सकते हैं। तो हमारे मन में ये विचार आता है कि मैं ऐसा बोलूंगी तो भगवान के इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी और उसके उत्तर में मैं क्या बोलूं। तो इस तरह से जब भक्त अपने प्रेम का आदान प्रदान करता है भगवान के साथ, तो अपना भाव, अपना स्नेह, अपना प्रेम भगवान को अर्पित कर रहा होता है। तो ये कुंती महारानी की प्रार्थनाएं जो कि शुरू में स्वार्थ से स्टार्ट होती हैं और शुद्ध भक्ति पर समाप्त होती हैं, इनको हम एक बार फिर से संक्षेप में पढ़ेंगे। कृपया साथ दीजिएगा और इन शब्दों के माध्यम से हम भगवान की दिव्यता और मधुरता में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। कुंती महारानी कहती हैं, नमस्ते पुरुषम पाद्यम। मैं आपको प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप पुरुष हैं। ध्यान भगवान के मन में आएगा तो और भी तो इतने सारे पुरुष हैं, फिर मेरे अंदर पुरुष होकर क्या विशेषता है जो आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो कुंती महारानी कहती हैं, आद्यम, आप ये सब सामान्य पुरुष हैं, परंतु आप आदि पुरुष हैं और आदि पुरुष होकर आप ईश्वर हैं। ईश्वर होने के कारण आप प्रकृति से परे हैं, प्रकृति परम। क्योंकि जैसे अगर कोई बच्चा कोई कहानी पढ़ता है, कोई कादंबरी पढ़ता है, तो उसमें वो पूरा पढ़ लेता है और पता चलता है बाद में उसको कि इस कहानी का कोई राइटर भी है, परंतु उस पूरी कहानी में, उस पूरी स्टोरी में उसको वो राइटर कहीं नहीं दिखता। इसे कुंती महारानी कहती हैं, अलक्ष्यम, आप दिखते नहीं हो। लेकिन वो राइटर भले ही उसमें दिखता नहीं है, इसका कारण क्या है, क्योंकि उस स्टोरी की रचना उसने की है और रचना करने के साथ साथ उस शब्दावली की रचना की है और उस स्टोरी के अंदर जो टाइम फ्रेम है वो भी उसी ने निर्माण किया है। और क्योंकि वो जो है स्वयं उस टाइम फ्रेम से बाहर है, प्रकृति से परे है, इसलिए वो उस कादंबरी में दिखता नहीं है कहीं। इसीलिए वो बच्चा उस निर्माण करने वाले को नहीं जान सकता। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ प्रभु, आप आदि पुरुष हैं, इस प्रकृति से परे हैं और अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, और किसी के द्वारा दिखे नहीं जा सकते, संसार में कोई आपको देख नहीं सकता। तो कुंती तो भगवान सोचे कि बुआ मुझे नहीं कोई देख सकता, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिन्हें हम नहीं देख सकते, बहुत सारे सितारे ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। लेकिन भगवान कहते, कुंती महारानी कहती है, भले ही उनको हम नहीं देख सकते लेकिन ये कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन आपको नहीं देख सकते वो तो बहुत विशेष है, क्योंकि अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। अगर वो उन वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं जो कि हमसे बहुत दूर है या बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन आप तो हमारे अंदर समाये हुए हो, हमारे हृदय में समाये हुए हो
और संपूर्ण कण कण में समाये हुए हो फिर आपको नहीं देख सकते तो ये तो वास्तव में बहुत ही विशेष बात है। और उसका कारण बताते हुए कुंती महारानी कहती हैं, माया जवनी काचन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम माया जवनी काचन्नम, क्योंकि माया का पर्दा लगा हुआ है, जवनी का मतलब उसका पर्दा है, उसके कारण आच्छन्नम आप ढके हुए हो, इसलिए अज्ञादो अक्षजम अज्ञानी लोग आप क्योंकि अक्षज हो, भौतिक बोध की सीमा से बहुत परे हो, अक्षय का कहते हैं आंख और अदोक्षज का मतलब होता है जो आंख से या इंद्रियों से जिसका पार नहीं पाया जा सके। जैसे कुंडी महारानी कहती है क्योंकि आप इन भौतिक इंद्रियों के विषय नहीं हो, अव्यय हो, अविनाशी हो, इसलिए आप अपनी माया के द्वारा छिपे हुए होते हो, इसलिए अज्ञानी लोग आपको नहीं जान सकते। न लक्ष्य से मूढ़ दृश्य, जो मूढ़ दृष्टि वाले होते हैं, जो जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, वो आपको नहीं देख सकते। किस तरह? न जो नाट्य धरो यथा, कि जिस प्रकार जब कोई कलाकार कोई एक्टिंग करता है तो उसमें क्या होता है, वो कोई और गेटअप अपना ले लेता है, उसी तरह क्योंकि आप संसार में आते हो तो आप मनुष्य की तरह लीला करते हो, दो हाथ होते आपके, दो आंखें, हम जैसे दिखते हो ना, तो हम मूढ़ लोग आपको नहीं समझ सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9.11 में, अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, कि जब मैं मनुष्य शरीर धारण करके इस पृथ्वी लोक पर आता हूँ तो जो मूल लोग होते हैं वो मुझे नहीं समझ सकते हैं, और क्योंकि मैं मनुष्य जैसे कार्य करता हूँ इसलिए वो ये नहीं जान पाते हैं मम अव्ययम, कि मैं अव्यय हूँ, और मम भूत महेश्वरम और समस्त भूत प्राणियों का मैं ईश्वर हूँ। इसीलिए कुंती महारानी भी बोलती है कि हम जैसे मूढ़ दृष्टि वाले जीव आपको नहीं समझ सकते हैं, और आप तो किन के विषय हो, तथा परम हंसा नाम मुनी नाम अमलात्मा नाम, जो परम हंस होते हैं, जैसे हंस दूध और पानी उसको मिक्स करके दिया जाता है तो केवल दूध उठा लेता है, उसी प्रकार जो परम हंस जीव होते हैं, जो शास्त्रों के तात्पर्य को समझते हैं, वो इस भौतिक जगत में भले ही आप आते हो, लीलाएं करते हो, लेकिन वो आपको वास्तव में समझ सकते हैं। और कैसे होते हैं वो, मुनि नाम अमल आत्मा नाम, यानी कि उनके वो मुनि होते हैं, वो मनन करते हैं और हृदय के अंदर कोई मल नहीं होती है, वो ईर्ष्या नहीं रखते आपसे, और तभी वो आपको जान सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, माधुर्य होता है उनके हृदय में, आपसे प्रेम होता है, इसलिए वो आपको जान सकते हैं। और आपको जानने का तरीका क्या है, भक्ति योग विधानार्थम, केवल भक्ति योग के द्वारा ही, यानी भौतिक इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। भगवान कहते हैं भगवद गीता में 11.53 में, ना हम वेदायन न तपस्या न दाने न शेष्या, ना मैं वेद अध्ययन करने से, ना तपस्या करने से, ना दान देने से, और ना ही पूजा करने से समझा जा सकता हूँ। शक्यम एवं विदो द्रष्टुम दृष्ट वानसी माम यथा, इन कारणों से इन साधनों से मुझे कोई भी मेरे वास्तविक स्वरूप में नहीं जान सकता है, बल्कि कैसे जान सकता है, भक्त्यादनन्यया शक्य अहमेव विदोर्जुन, कि वास्तव में यदि कोई प्रेममयी भक्ति करता है, अनन्य भक्ति करता है, तो मुझे जाना जा सकता है, ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च तरन्तप, मुझे जाना जा सकता है, मुझे देखा जा सकता है और मेरे धाम में प्रवेश किया जा सकता है। केवल एक ही विधि है, क्या, भक्ति की विधि। उसी विधि को यहाँ पे कुंती महारानी दर्शाती हैं कि भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रिय, मैं तो स्त्री हूँ। अब आप तो क्योंकि परम हंसों के विषय हो, मुनि और अमर आत्मा जिनके हृदय में किसी और वस्तु अनन्य भक्ति होती, किसी और भौतिक वस्तु की कोई इच्छा नहीं रहती, अब स्त्री हूँ। स्त्रियों का
स्वाभाविक प्रेम बटा हुआ होता है अपने परिवार में, उनके अंदर इतना भाव होता है कि हर एक के अंदर इतना ज्यादा स्नेह करती हैं अपने नैयर के लोगों में, अपने ससुराल के लोगों में, अपने बच्चों में, अपने पति में, सब में इतनी आसक्ति बहुत ज्यादा भरी हुई होती है, इतना भाव होता है सबके लिए। तो अब हम तो घर गृहस्थी में इतने ज्यादा घिरे हुए होते हैं, वो बोला भगवान की वास्तविकता को कैसे समझ सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं, स्त्रियां तो वैसे ही कम बुद्धि वाली होती हैं। यहाँ पर पुनः मैं एक बार याद कराऊंगी कि कुंती महारानी यहाँ अपनी दीनता दर्शा रही हैं। कि दीनता क्या है, कि मेरे अंदर वो गुण नहीं है कि मैं आपको समझ सकूं। ये कोई भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से वो नहीं कह रही है। जैसे भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्त्रियां जो है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, ज्यादा अच्छे मार्क्स लेती हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से तो आत्मा है, आत्मा तो एक समान होती है, लिंग नहीं होता आत्मा का कोई भी। लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी जो बता रही है वो क्या है, भाव का स्तर है। वास्तव में भाव क्या है कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के विषय में नहीं बता रही, वास्तव में यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे कोई भी जीव जब किसी शरीर में आता है तो अवश्य ही शरीर का शारीरिक संकल्प बनाती है और उस शरीर से रिलेशन जिसका होता है उसकी ओर आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों को ये बहुत जल्दी हो जाती है शारीरिक संकल्पना, और वो हर किसी से स्नेह करने लगती हैं। इसलिए अगर उनका स्नेह भौतिक वस्तुओं में बढ़ जाता है तो फिर वो यदि भगवान के पास भी जाती हैं तो अपने उसी स्नेह के कारण के मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे पति का ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व करना, एग्जाम में पास करा देना, है भगवान के साथ संबंध तो निर्माण कर देती हैं, लेकिन वो अपने भौतिक बंधुओं से संबंध को खींच नहीं पाती हैं। वास्तव में ये भाव यदि कृष्ण के प्रति उत्पन्न हो जाए तो बहुत ज्यादा ये हमारे लिए लाभप्रदक है। लेकिन यदि ये भाव भौतिक वस्तु या व्यक्तियों की ओर हो जाता है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसी लिए कुंती महारानी अपने आप को यही अभी दर्शा रही हैं कि क्योंकि मेरा स्नेह बटा हुआ है अपने भौतिक संबंधियों में, इसलिए मैं भला आपके महान पद को कैसे समझ सकती हूँ, इसलिए मैं क्यों समझ नहीं सकती, मैं केवल आपको प्रणाम करती हूँ। और आगे कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय, आप कृष्ण हैं। अब कृष्ण जो है वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, यानी साधारणतया किसी का नाम भी हो सकता है। और जिस तरह से अगर मैं किसी को बोलती हूँ आप तो चरणजीव हो, अब चरणजीव किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन चरणजीव तो उनको भी बोलते हैं ना जो जिनकी मृत्यु नहीं होती, जैसे हनुमान जी। तो इसी तरह से कृष्ण किसी का नाम हो सकता है, लेकिन उसको उसके विषय में उसकी विशेषता बताते हुए कहती हैं वासुदेवाय, आप वासुदेव के पुत्र हैं, इसलिए। और उससे भी वासुदेव के भी अन्य पुत्र हैं, जैसे हमें पता है कि उनके 6 पुत्र की मृत्यु हो गई और 7वां गर्भ जो है वो योग माया ने रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया था। अब वासुदेव की अन्य भी स्त्रियां थी तो उनके भी संतान हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात को क्लियर करते हुए कहती हैं देवकी नंदनाय च, कि आप देवकी के पुत्र हैं। तो यहाँ ये भी प्रश्न उठता है कि देवकी के भी तो दूसरे पुत्र हैं, तो उसी के विषय में कहती हैं नंद गोप कुमाराय, आप वो देवकी के पुत्र हैं जो नंद के कुमार बनकर आए। देवकी के पुत्र वासुदेव के पुत्र होते हुए भी नंद गोप के साथ रहे और गोविंदाय नमो नमः, आप गोविंद हो, अर्थात आप एकमात्र वो हो जो के इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हो। वास्तव में
इंद्रियों को संतुष्ट करना हमारा लक्ष्य नहीं है। जैसे गीता हमें बताती है कि इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना है, लेकिन गोविंद का मतलब होता है जिनको प्रसन्न करने से हमारी संपूर्ण इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी। गोविंदाय नमो नमः। अच्छा, यहाँ पर कुंती महारानी कह रही है कि आप कृष्ण हो, आप वासुदेव के पुत्र हो, देव की नंदन हो, नंद गोप कुमार हो, और केवल आपको संतुष्ट करने से ही मैं संतुष्ट हो सकती हूँ, परंतु मैं आपको जान तो सकती नहीं हूँ, आपके पद को नहीं समझ सकती और आपकी लीलाओं को नहीं समझ सकती, इसलिए केवल एक ही कार्य करती हूँ आपको संतुष्ट करने के लिए, नमो नमः, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आगे कुंती महारानी कहती है, भगवान के संपूर्ण शरीर को देखकर उनकी महानता, उनकी सुंदरता को अंकित करते हुए कहती है, जैसे देखो संसार में बहुत सारे प्राणी हैं जिनके शरीर के कुछ भाग जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, जैसे किसी का, किसी की आंखें सुंदर होती हैं, किसी का मुख सुंदर होता है, किसी के हाथ सुंदर होते हैं, किसी सब मतलब कोई ना कोई अंग। लेकिन यहाँ पर भगवान को कह रहे हैं कि आप तो एक ऐसा कमल का फूल हो जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे कमल हैं, और आपके हर एक अंग के अंदर इतनी मधुरता है, इतनी सुंदरता है कि कमल भी फीका पड़ता है, परंतु क्योंकि उपमा नहीं है मेरे पास कमल से अधिक सुंदर किसी वस्तु की, इसलिए नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय, नमः पंकज नाभाय। वो नाभ जिससे पंकज कमल का फूल निकला और जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान है, ऐसी कमल नाभि को मैं प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज मालिनी, आपने जो कमल की माला धारण की हुई है उसको प्रणाम करती हूँ। आपके कमल जैसे नेत्र हैं, नमः पंकज नेत्राय, और नेत्रों को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते पंकजांग्रय, और आपके चरण कमलों में अपना प्रणाम अर्पित करती हूँ। आगे कुंती महारानी कहती हैं कि आपने मुझ पर जितने उपकार किए हैं, मुझसे जितना स्नेह किया है, मैं वो कभी भूल नहीं पाती हूँ, क्योंकि आपने अपनी माता से भी अधिक मुझसे स्नेह किया, मेरी रक्षा की, मेरे पुत्रों की रक्षा की, इसलिए मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ। इसे कुंती महारानी कहती हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरं शुचार्पितम्, कि क्योंकि देवकी महारानी बहुत ही ज्यादा समय रुद्धा तिचिरं शुचार्पितम्, बहुत ही ज्यादा समय शोक में रही, वो कंटिन्यूस कंस की कारागृह में रही, परंतु आपने उनकी रक्षा की, परंतु उनके पुत्रों की भी रक्षा नहीं की, परंतु विमोचिताहम सहात्मजा विभो, मेरी तो आपने मेरे पुत्रों के साथ रक्षा की, त्वयैव नातेन मोह विपद्गणात्। जब जब विपत्ति आती थी आप उसी समय आकर मेरा रक्षण करते थे, मेरे पुत्रों का रक्षण करते थे, कभी भी आपने हमें कंटिन्यूस दुखों में नहीं रखा, अपनी माता से भी अधिक मुझसे प्रेम करते हो आप। कुंती महारानी अपनी तुलना देवकी से कर रही हैं, सुचार पिता के, आप उनको तो सदैव दुख में रहते रखते थे, लेकिन मेरे और मेरे पुत्रों की ओर जैसे ही कोई दुख आता था तो आप फौरन से उस दुख को हरण कर, विमोचिता हम, आप फौरन से दुख को दूर कर देते थे, तवाये बना थे न मुहूर् विपद कणा। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ कि ऐसे दुख, ऐसी विपत्तियाँ निरंतर मेरे जीवन में भरी रहे और मैं सदैव दुखी रहूं, क्योंकि जब जब दुख आया तब तब आप फौरन से हमारी सहायता करने के लिए आए। और इन्हीं दुखों के विषय में कहते हुए कहती हैं आगे, विशान महात्म्य
पुरुषाद दर्शना असत् सभाया वनवास कृच्छ्रुता मृदे मृदेने कमाः रथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतस्यात्म हरि विरक्षिता। जब हमें लाक्ष भवन में बंदी कर दिया गया था उस समय आपने हमारी रक्षा की, बड़े बड़े राक्षसों से बचाया। असत सभा में जब दुष्टों की सभा में मेरी कुल वधु द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था उस समय आपने उनकी हमारी रक्षा की। वनवास कृच्छ्रुत वन में अनेक अनेक कष्ट आए थे उससे आपने हमें बचाया। और मृदे मृदे ने कमाहा रथास्त्रतो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बहुत सारे राजाओं को आपने राजाओं के शस्त्रों से और उनसे किस तरह से युद्ध किया जाए मेरे बच्चों की रक्षा की। और आज द्रोण्यस्तश्चास्म हरे विरक्षिता अभी अभी द्रोण के पुत्रों ने अपने ब्रह्मास्त्र से मेरे संपूर्ण कुल को मारने का प्रयास किया और आपने हमारी रक्षा की। इसी हे जगत के हितैषी, हे समस्त जीवों का हित करने वाले, मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में समस्त विपत्तियाँ हमारे जीवन के पग पग में जीवन की हर स्थिति में आती रहे। जिन विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा की है वो विपत्तियाँ जीवन भर आती रहे। तो यदि भगवान पूछे कि वो ऐसा क्यों चाहते हो आप कि ये संकट सदैव आपके जीवन में आते रहे, तो कुंती महारानी ने उत्तर देती है, क्योंकि संकट में ही आपका दर्शन हो पाता है, क्योंकि दुख के समय बहुत ही हृदय से आपको याद करते हैं और जब हृदय से आवाज निकलती है तो आप फौरन से आ जाते हो सहायता करने के लिए। अब यदि विपत्तियां नहीं रहेंगी तो आपको इतना तीव्रता से याद नहीं करेंगे। इससे मैं चाहती हूँ कि ये सर्व विपत्तियां यूं ही आती रहें और वास्तव में इन विपत्तियों के द्वारा मैं आपके दर्शन को प्राप्त करना चाहती हूँ। आपका दर्शन प्राप्त हो यही वास्तव में महान सुख है। यदि हमारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं है, सुख ही सुख है, परंतु यदि भगवान का सुख नहीं है, भगवान का दर्शन नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं है, तो वास्तव में सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है। इसी कुंती महारानी कहती हैं, विपद संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर भवदर्शनम। कि यदि आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि ये संपूर्ण विपत्तियां सदैव हमारे साथ रहें, हर पग पर हमें विपत्ति मिले, तो वास्तव में तत्र तत्र जगत गुरु, क्योंकि आप ही हित करने वाले हो, तो जब आपका दर्शन होता है तभी उसी से हमारा हित हो सकता है। भवतो दर्शनम यत्स्यात्, आपका यदि दर्शन मिल जाएगा, अपुनर्भव दर्शनम, फिर दोबारा से इस जन्म मरण के दुख को बारंबार नहीं सहना पड़ेगा। इस शरीर में ये जो सारे दुख मिल रहे हैं, संसार में आना, जन्म लेना, मृत्यु होना, बूढ़ा होना, दुखी होना, ये सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे अगर आपका दर्शन प्राप्त हो। तो मानो कृष्ण कहें कि बुआ जी सदैव सब लोग तो हमसे संपत्ति मांगते हैं, धन मांगते हैं, यश मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, आप क्यों हमसे विपत्ति मांग रही हो? तो कुंती महारानी कहती हैं कि ये धन संपत्ति यश वैभव वास्तव में जीव के वास्तविक कल्याण में बाधा बनते हैं। इस संसार में जितना सुख होता है उतना ही वो हमें आपसे दूर करता है, आपकी विरह को वो रियलाइज करने नहीं देता, आपके नाम को बहुत ही हृदय से पुकारने में बाधा बनती है। इसलिए कुंती महारानी कहती अब तो संपत्ति राज भले हमें मिल गया हो तो फिर इसके कारण हम आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए कहती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुता श्री श्री भीर एदमान मद पुमान नैवार्हत्य विधातुं वै त्वामकिंचन गोचरन्।
हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अखिंसन है, जो सम्मानित कुल ऐश्वर्य उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास में लगे हुए रहते हैं, वह आप तक एक कनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच सकते। यानी कि उनके अंदर इतना गर्व हो जाता है, इतना उनके अंदर घमंड हो जाता है, जिनको धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, संपत्ति मिलती है, यश मिलता है, कि वो बहुत आपको पहचानता ही नहीं, आपके भजन करने के लिए, आपकी भक्ति करने के लिए समय नहीं निकालता। इसलिए त्वाम किंचन गोचरम, आप तो बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाते हो, लेकिन उनके द्वारा जो कि अकिंचन होते हैं, जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र होते हैं। और आगे कुंती महारानी कहती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्ये पतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, कि आप क्योंकि निर्धनों के धन हैं, इसे मैं आपको प्रणाम करती हूँ। निवृत्त गुण वित्तये, इन भौतिक वस्तुओं की किसी भी चीज में आपकी कोई आसक्ति नहीं है, और आत्मा रामाय शांताय, आप आत्मा राम हो, आप अपने आप से संतुष्ट हो, आपको संतुष्ट होने के लिए किसी भौतिक वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप शांत हो। कैवल्य पतये नमः, यानी कि आप कैवल्य में स्थित हो, अर्थात आप भौतिक सुख से बहुत परे हैं, भगवान के धाम का जो अतीत सुख है उसको प्रदान करने वाले हैं। इसी कुंती महारानी कहती हैं कि प्रभु में आपको कैवल्य पतये नमः, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ जो सदैव अपने आप में ही रमे रहते हैं और इसीलिए शांत रहते हैं, ये भौतिक सुख नहीं चाहते। इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि हम भी अपने आप में रमे रहें, शांत रहें, और हम आपकी भक्ति करके स्वयं आनंदित हों। हम भी केवल भक्ति में स्थित होकर आप की तरह शांत रहना चाहते हैं। और आगे कुंती महारानी कहती हैं, मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादि निधनम् विभो समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथ कलि। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित सर्वव्यापी मानती हूँ। अर्थात आपका ना कोई आदि है, ना अंत है, और ना ही कोई आप कभी स्टार्ट हुए हो, आप तो काल हो। कालम ईशानम, यानी शाश्वत समय हो और परमेश्वर हो, आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। समम चरंतम सर्वत्र, किसी के साथ ना आप पक्षपात करते हो और ना ही किसी के साथ द्वेष करते हो। भूतानाम यन्मिथः कलह, जीवों में जो पारस्परिक विषमता है वह सामाजिक संघर्ष के कारण है। कुछ किसी के साथ, किसी को ऐसा लगता है कि भगवान उससे बहुत कृपा कर रहे हैं, मुझ पर नहीं कर रहे हैं, वो क्यों है? क्योंकि जीवों के अंदर विषमता है। आपकी कृपा में कोई ऐसा विषमता नहीं है। अब जाहिर है जिसने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार उसको रिजल्ट मिलता है, और जिस भाव से जो आपके शरण में आते हैं उसी के अनुसार आप कार्य करते हो। लेकिन परंतु आप जो समम चरंतम सर्वत्र, आप सबके साथ एक ही हो। और आगे कहते हैं, तो मानो कृष्ण ने कहा हो कि वो आप ये कैसे कह सकती हो समम चरंतम सर्वत्र, कि मैं सबके साथ एक समान हूँ। मेरा अनुग्रह और द्वेष तो साथ दिखता है। आपके पुत्रों की ओर मेरा अनुग्रह है, और कौरवों की ओर मैंने पक्षपात, मैंने ना उनसे द्वेष करवाया, उन सबकी सेना को पूरा मरवा दिया, तो ये सब क्या है? तब कुंती महारानी कहती है, नवीदकर्षित भगवान शिकीर्षितं तवी हमानस्य निर्णम विडम्बनम् नयस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेषस्य यस्मिन् विषमामतिर्निवाम।
नवेद कश्चित भगवान श्रीकृष्ण आपकी लीलाओं के विषय में, आपके कार्यों के विषय में कोई नहीं जान सकता। आपकी लीलाएं इतनी विलंबनीय है कि कोई उनको समझ नहीं सकता, नवेद कश्चित कोई भी नहीं कर सकता। तवेह मानस्य निर्णय विडम्बन, आपकी जो वास्तविक लीलाएं हैं वो तो विडम्बनीय है, बहुत ज्यादा सबको आश्चर्य में डालने वाली है। न यस्य कश्चित दैतोस्ति कर्षित, संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका विशेष कृपा पात्र हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने उसको अपनी कृपा का पात्र बनाया हो। बल्कि द्वेषयस्यास्मिन् विषमां मतिर्नृणाम्, ना तो कोई आपका कृपा पात्र है ना ही कोई आपका द्वेष का भाजन है। लोगों की यह कल्पना है कि आप पक्षपात करते हो, जीव ऐसा सोचते हैं कि भगवान को पक्षपात करते हैं, लेकिन वास्तव में हर एक जीव के साथ केवल इंसाफ होता है। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, न ही किसी के साथ द्वेष करते हैं। जो कुछ आपको प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त हो रहा है वो केवल और केवल आपके कर्मों के अनुसार, लेकिन यदि हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं उसका हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतानां नमे द्वेषोस्ति न प्रियः, मैं सबके साथ सम हूँ, किसी के साथ द्वेष नहीं करता और न ही किसी का पक्षपात करता हूँ। ये भजन्ति तो माम भक्त्या महिते तेषु चाप्यहम्, जो प्रेम और भक्ति से मेरा भजन करते हैं मैं उनका हो जाता हूँ। ये पहले से भगवान ने रूल बना दिया। अब जाहिर सी बात है, कुंती बुआ आपके पुत्र सदैव मेरा भजन करते हैं तो मुझे उनका होना पड़ रहा है, वरना मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही बड़ा असुर क्यों ना हो, यदि वो मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसका भी पक्षपात करूँगा। इसलिए अतिशेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य, कि अगर कोई बहुत बड़ा सबसे ज्यादा अपराधी भी हो, अपिचेषु दुराचारी बहुत बड़ा दुराचारी भी हो, लेकिन यदि वो मेरे नाम का भजन करता है तो साधुरेव समन्तव्य, उसे साधु ही समझना, उसको आप दुराचारी ना समझना, क्योंकि वो मेरा हो गया है और उसने वास्तविक सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। आगे भगवान श्री कृष्ण को कुंती महारानी कहती हैं, जन्म कर्म च विश्वास विश्वात्मन अजस्य कर्तुरात्मना त्रियंशिषु यादसु तदत्यंत विडम्बनम्, कि आप अजन्म होकर कभी जन्म लेते हो, अकर्ता होते हुए भी कार्य करते हो तो ये सारा कार्य बहुत विडम्बनीय है। कभी आप त्रियंशिषु यादसु, कभी आप पशु बनते हो, कभी आप नर बनते हो, कभी आप ब्राह्मण बनते हो, तो कभी जलचर बनते हो। ये सब आपकी जो लीलाएं हैं, जो आपके अवतार हैं, वो बहुत ही विडम्बनीय है। समझ में नहीं आता है कि आप ऐसे अवतार क्यों लेते हो, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हो। हर एक अवतार में इतनी विडम्बनीय आपकी लीलाएं होती हैं कि मनुष्य की साधारण बुद्धि तो चकराने लगती है। और आगे कहती है उनकी लीला के विषय में वर्णन करते हुए कहती है, गुप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रम् निनीय भयभावनया स्थितस्य सामाम् विमोहयति भीरपि अस्थिदेति, कि आपकी लीलाएं इतनी विडम्बनीय है कि सोच से ही इंसान, जो कोई भी व्यक्ति है उसकी बुद्धि चकराने लगती है। हे कृष्ण, जब आपने अपराध किया तो यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से दबदबाई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, किंतु आप भयभीत थे, यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करता है। जो भगवान काल को भीरपि यद्धि देती, काल को भी भयभीत कर देता है, वो एक गोपी की
एक साधारण सी लकुटी से भयभीत हो जाते हैं। वो रोने लगते हैं, सचमुच रोते हैं, नाटक नहीं करते। और ऐसी सी लीलाएं देखकर वाकई में सामा विमोहयति, हम जैसी साधारण लोग तो विमोहित हो ही जाएंगे ना। इसे आप क्योंकि जगत को मोह में डालने वाली आपकी बहुत बहुत लीलाएं हैं, इसलिए आपके जन्म आदि के विषय में लोग बहुत बहुत वर्णन करते हैं। सब जो आपके तत्वों को जानने वाले हैं, वो आपकी लीलाओं के विषय में विभिन्न मत बताते हैं कि क्यों आप ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, और उनके विषय में कहते हैं आपके अवतार लेने के बहुत सारे कारण है। केचिदाह रजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान् ववाये मलयस् एव चन्दनम्। कुछ बोलते हैं केचिद् आह अजम जातम, कुछ लोग कहते हैं कि आप अजन्मा हो परंतु जन्म लेते हो पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, पुण्य श्लोक की यानी युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए। यदो प्रियस्यान् ववाये, और यदु वंश में आप इसलिए उत्पन्न होते हो कि यदु वंश यदु कुल की कीर्ति बढ़ाने के लिए। जिस प्रकार मलयगिरी का चंदन जिस पर्वत पर उगता है तो उसका यश बढ़ता है, उसी तरह से आप यदु कुल में उत्पन्न होकर यदु कुल का यश बढ़ाते हो। और कुछ कहते हैं अपरे वसुदेवस्य देवक्यामयासि तो भयगा, कुछ कहते हैं देवकी और वसुदेव की प्रार्थना से, क्योंकि वो जब पहले जन्म में सुत्पा और कृष्णी के रूप में भगवान से पुत्र रूप में प्राप्त होने की याचना करते हैं, तो याचितो भयात कि उनकी याचना से प्रसन्न होकर आप उनके यहाँ पर अवतार लेते हो। और कुछ कहते हैं अजस्तमस्य क्षेमाय वधाय च सुरकृशाम, कुछ कहते हैं कि जो राक्षस प्रवृत्ति के जीव हैं उनका वध करने के लिए और धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए ही आप इस संसार में अवतरित होते हो। कुछ और कुछ लोग का ये मत होता है भारावतारयानं ये भुवो भाव इवो ददौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवात्। कुछ कहते हैं कि इस संसार की इस धरती माँ है, उसके ऊपर भार बहुत ज्यादा हो जाता है, और पृथ्वी अपराधों का ये भार नहीं उठा सकती है, तो इसलिए इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए सीदंत्या भूरी बारेण जातो ह्यात्म भूवार्थिता, आप जो ब्रह्मा जी हैं आत्मभो यानी ब्रह्मा जी की प्रार्थना, जब ब्रह्मा जी पृथ्वी को दुखी देखकर आपकी प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर आप इस संसार में आते हो। परंतु कुछ कहते हैं भुवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवणस्मरण हारहाणि करिष्यन्निति केचन, कुछ ऐसा कहते हैं क्योंकि इस संसार में जीव बहुत बहुत कष्ट भुगत रहे हैं और उन कष्टों से जूझते जूझते वो बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, इसलिए आप इस संसार में आकर लीलाएं करते हो ताकि इन लीलाओं को श्रवण करके स्मरण करके आपकी ओर आकर्षित हो सके जी और कर्म बंधन से छूट सके। क्योंकि जब तक जीव आपके विषय में सुनेगा नहीं, आपकी लीलाओं के विषय में नहीं सुनेगा, तब तक आपकी ओर आकर्षित नहीं होगा। वो केवल भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होगा, लेकिन श्रवण करने से आपकी ओर प्रेम उत्पन्न होगा जिसके कारण भौतिक आसक्ति समाप्त होगी। इसीलिए आप इस संसार में आते हो ताकि जीवों के स्मरण करने के योग्य और श्रवण करने के योग्य लीलाओं को करो। तो फिर मानो भगवान कहते हैं कि वह आपके ख्याल में इन सारे मत में वास्तविक मत क्या है, आप इसमें से किसको उच्च सबसे उच्चतम मत कह रही हैं? तब कुंती महारानी उत्तर देती हैं कि हमें यही मत सबसे सर्वश्रेष्ठ लगता है। इसी श्रवण आदि का फल बताते हुए कहती हैं श्रवन्ति गायन्ति गणन्त्य भिक्षश स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्यच्छिरेण तावकं भव प्रवाहो
परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, जो जन्म मरण के प्रवाह को रोकने वाला है। वास्तव में आप इस संसार में इसीलिए आते हो कि जीव को जन्म मरण के चक्कर से बचा सको, और वो तभी संभव है जब जीव आपके विषय में श्रवण करेगा, आपका स्मरण करेगा, आपके विषय में गुणगान करेगा, और जो वो नहीं करते हैं उनका अनुमोदन करेगा, जो मतलब ऐसे कार्य कर रहे हैं उनका अनुमोदन करेगा, उसको सुनकर हर्षित होगा। तो फिर क्या होगा, तईव पश्यन्ति चिरेण तावकम्। फिर वो आप बहुत ही जल्दी अचिरेण उनको इस भव सागर से निकालोगे। भव प्रवाह यानी जो भव सागर है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठनाशयनम, इससे आप उभारोगे और आपके शरण कमलों में स्थान प्रदान करोगे। भगवान की इतनी महिमा के विषय में बखान करने के बाद कुंती महारानी भगवान से अपनी याचना कर रही हैं और अपनी प्रार्थनाओं की वास्तविक प्रार्थना के अंदर प्रवेश करते हुए कहती हैं, अप्यद्य निष्कम सकृते हिता प्रभु जेहासि स्वीत प्रहिदो निजीविनः ईशान चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितं हसाम्। हे प्रभु, आपने अपना कर्तव्य स्वयं पूरा कर दिया है। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह से आश्रित हैं, ईशान चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् और हमारा और कोई रक्षक नहीं है, और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए गए हैं, परायणम राजसु योजिताम हसम, तो फिर अब इस समय जब हमारे ऊपर इतना सारा संकट है, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? अगर आप चले जाओगे तो फिर हम बिल्कुल निर्जीव हो जाएंगे, केवल शरीर बाकी रहेगा, क्योंकि आप हमारी आत्मा हो। जिस प्रकार आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वो शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार हम तो आपके बगैर मर ही जाएंगे, जी नहीं सकेंगे। केवयम नाम रूपाभ्याम यदुभि सह पांडवा भवतो दर्शनम यहि ऋषिकाणाम वशी ऋषितु। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यह समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा कार्य तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। नेयम शोभिष्यते यत्तत्र यथेदानीं गदाधर तत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हे गदाधर, इस समय हमारा राज्य इसलिए सुंदर लग रहा है, नेयम शोभिष्यते तत्र, जिस तरह अभी लग रहा है, क्यों? तत्पदैरंकिता भाति, क्योंकि इस समय आपके चरण कमलों से अंकित है, जिसके कारण ये सुंदर लगता है। लेकिन नया शोभिष्यते तत्र, इस तरह से बाद में जब आप चले जाओगे फिर तो वो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा, तो लेकिन आपके चले जाने पे ये बिल्कुल सुंदर नहीं लगेगा, तो आप कृपया मत जाइए। इमे जनपदा श्रद्धा सतकौषधि विरुद्ध वनाद्री नद्यदन्वन्तो येदन्ते तव वीक्षते। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपत्ति से परिपूर्ण है। ये सब आपकी कृपा दृष्टि है। जब पर्वत आप उन पर्वतों की ओर दृष्टि डालते हैं तो पर्वत खनिज उगलने लगते हैं, समुद्र मोती उगलने लगते हैं,
नदियों में उफान आने लगता है, सारी प्राकृत वस्तुएं आनंदित होती हैं केवल आपकी दृष्टिपात करने से। ये दंते तब वीक्षते, जैसे आप देखते हो तभी सब सुखी होते हैं, लेकिन जब आप चले जाओगे तो सब दुखी हो जाएंगे। इसीलिए आप मत जाइए। इतना कहने के बाद कुंती महारानी ने सोचा कि मैं कितनी खुदगर्ज हूँ, कितनी सेल्फिश हूँ, सदैव अपनी इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ और भगवान से वही प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रकार से मेरी इच्छा पूरी हो। क्यों है? क्योंकि मैं स्नेह करती हूँ अपने पुत्रों से और अपने नेहर वालों से। इस स्नेह के कारण मैं सदैव अपनी इच्छा भगवान पर थोपती हूँ, तो भगवान को कहती है कि ये स्नेह का पाश ही समाप्त कर दीजिए। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति स्वकेशु मे स्नेह पाशं विमं सिंधि दृढ़ं पांडुषु विश्वेशु। हे विश्वेश, हे विश्वात्मा, क्योंकि आप हृदय के अंदर विराजमान हो, तो हृदय के अंदर जो ये स्नेह का पाश है, चाहे वो पांडवों के प्रति हो या यादवों के प्रति, स्नेह पाशम मम सिंधि, इस स्नेह पाश को आप तोड़ दीजिए। क्योंकि ये भौतिक देह से जो रिलेशन है वो आपकी भक्ति के अंदर बाधा बनता है, और स्नेह यदि कहीं रखना है तो किसके अंदर? त्वयिनेनन्य विषया मतिर मधुपते सखे रतिम उद्वहता दत्ता गंगे गंगे वो घमुदन्वते। कि जिस प्रकार गंगा मैया जब समुद्र की ओर बढ़ती है तो उस वेग से बढ़ती जाती है और उसका धारा भी बढ़ती जाती है, उसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप भौतिक वस्तु और व्यक्तियों, ये देह के संबंध से समस्त स्नेह हटा कर आपके अंदर स्थापित कर दीजिए। तो अन्य या विषया, आपके अतिरिक्त और किसी विषय और वस्तु से मेरा स्नेह ना हो, और मतिर मधुपते सकृत, सारी मेरी मति जो है वो आपके ऊपर एकाग्र हो जाए। रतिम उद्वहता दद्धा, और मेरा सारा का सारा प्रेम किसी अन्य विषय में नहीं केवल आपकी ओर ही आकर्षित हो जाए। इसलिए भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों से मेरा संपूर्ण प्रेम और स्नेह खत्म कर दो। हमारा प्रेम, हमारी प्रीति, हमारा स्नेह केवल आप ही केंद्रित हो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपके प्रति आकर्षण ही सबसे बड़ा संरक्षण है। यदि हृदय के अंदर आपके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया, फिर भले हम कहीं पर भी रहेंगे, कृष्ण प्रेम हमारी सहायता करेगा। सबसे बड़ा संरक्षण है कृष्ण प्रेम। वास्तव में दुख क्यों मिलता है जीव को? क्योंकि वो भौतिक वस्तु और व्यक्तियों की ओर आकर्षित है। यदि वो सारा आकर्षण कृष्ण की ओर केंद्रित हो जाए तो संसार में कभी कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ तक कहने के बाद कुंती महारानी अब केवल नमस्कार करती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कृष्ण सखवेश ऋषभानि दुग्ध, श्री कृष्ण कृष्ण सखवेश ऋषभावनि दृग राजन्य वंश गहनान पवर्क वीर्य गोविंद गोद्विज सुरारति हरावतार योगेश्वर अखिल गुर भगवान नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे विष्णु कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों के ध्वंसक हैं जो इस धराधाम पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी घटता नहीं है। आप परम धाम के स्वामी हैं और गायों ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। आपने सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। और जब भगवान ने कुंती महारानी की इतने सुंदर शब्दों में प्रार्थना सुनी, तब मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया, तब भगवान मंद मंद मुस्काने लगे। और यह मुस्कान जो है
वो योग शक्ति के ही समान मोहक करने वाले थी। लेकिन ये मोह, यहाँ पर शब्द ये जो मोह है वो भगवान की कृपा के लिए व्यवहारित हुआ कि भगवान अत्यंत ही कृपा दृष्टि से उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।